हेलो एवरीवन, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी रिक्रूटमेंट 2022 के रिगार्डिंग। तो बच्चों, मैं सबको सबसे पहले आपको क्या बता दूं कि जो सबसे पहले ये बात है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो था ईएसआईसी का, वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को जो है पता होगा, ये कुछ ही टाइम पहले जो है वैकेंसी आई है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म जो है फिल कर दिया होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया होगा। उनसे जो है एक मेरी गुजारिश है कि आप सभी जो है पहले फॉर्म को फिल करें, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी है। आपको लास्ट तक जो है नहीं जाना है, आपको पहले फॉर्म फिल करके अपना जो एक फर्स्ट आपका जो काम है, सबसे पहला काम है, वो काम जो है आपको अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। आप आई गेस बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग जो जिनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो ये दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि तैयारी किस तरीके से आपको करनी। बहुत लोग स्टार्ट तैयारी कर चुके हैं, बहुत लोग स्टार्ट तैयारी अभी भी स्टार्ट नहीं किए, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से तैयारी करनी है आने वाले एग्जाम जो कि ईएसआईसी रिक्रूटमेंट 2022 है। इसमें जो है तीन पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो है दिख रहा है, जो ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम डेट था फेज़ वन का, जैसे दो फेज़ में इसके एग्ज़ाम होने, तो फेज़ वन का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट निकल के आया 19, 20 और 26 मार्च। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास मोटा मोटा मान लें तो 1.5 महीने के आसपास जो है आपके पास है। तो हम लोग के पास में, आपके पास में एक अच्छा टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको ग्रैब करना चाहिए और 1.5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करके कैसे किस तरीके से पढ़े, ताकि जो है एक बहुत ही अच्छा जो वैकेंसी आया है आपके सामने में, मेरे हिसाब से आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, एग्ज़ाम देने जरूर जाना चाहिए। एक अच्छी अच्छी वैकेंसी है आपके सामने में। अगर वैकेंसी का जो एक नंबर है वो भी एक नंबर काफ़ी अच्छा है, 3882 जो है वैकेंसी है। तो इतने नंबर में वैकेंसी आई है आपके सामने, 2022 की एक फ्रेश पहली वैकेंसी है। तो आपको जो है जरूर इसके लिए जाना चाहिए, जरूर अच्छे से इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूडीसी के लिए, तो इसका जो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगा था वो था ग्रेजुएशन। और अगर जो एमटीएस की मैं बात करूं, तो एमटीएस के लिए जो मैट्रिकुलेशन जो है, 10th पास जो है जो कर चुके हैं बच्चे, वो फॉर्म ये एमटीएस के लिए फिल कर सकते हैं। तो जो 10th पास बच्चे हैं वो अगर जो है कोई एक जॉब लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर मैं स्टेनो की बात करूं, तो जो 12th पास हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, जो 12वीं पास जिन्होंने बच्चे ने, जिन लोगों ने कर लिया है, उनके सामने भी एक स्टेनो के लिए जो स्टेनो के फॉर्म में जो है एक अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी 38882 और आपके सामने ये कंप्लीट डिटेल्स है। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया, वेल एंड गुड। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया, आप सभी से दोबारा एक बार मैं गुजारिश करूंगा, फॉर्म जरूर फिल करो और तैयारी में लग जाओ। तो अब जो है एक बार मैं एग्ज़ाम पैटर्न एक बार बता दूं मैं आपको, इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। मैं एमटीएस और स्टेनो के रिगार्डिंग जो है मैं आपको बताऊं, एमटीएस और स्टेनो के रिगार्डिंग जो है मैं अगले वाले वीडियो में आपसे बात कर लूँगा, अगर आपको जो है इसकी रिक्वायरमेंट होगी। आज हम बात करने वाले, क्योंकि हमारे पास ना काफ़ी डिमांड आया था कि सर यूडीसी के रिगार्डिंग बताइए हम, क्योंकि यूडीसी इसमें ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे जो है इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं। और इन सारे बच्चों ने जो है मुझे काफ़ी सारे हमारे पास मेल आए और जो है काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि हम यूडीसी की तैयारी करना चाहते हैं, किस तरीके से तैयारी करें, क्या पैटर्न इसका होगा और क्या एक अप्रोच होना चाहिए यूडीसी के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग जो है आज हम इस सेशन में जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यूडीसी जो कैसे तैयारी करेंगे वो तो मैं बताऊंगा, चलो पहले एक बार हम एग्जाम पैटर्न देख लें। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका दो फेज में एग्जाम होना है आपका, फेज वन जो कि प्रीलिम्स एग्जाम जिसको कहेंगे। तो इसमें जो है आपके 4 सब्जेक्ट के जो है एग्जाम आपके होने वाले, वो कौन कौन से रहेंगे। रीजनिंग रहेगा, जिसको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग बोलेंगे हम, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 25 25 25, सारे में जो है आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्क्स आपका जो है 50 मार्क्स जो है हर इच सब्जेक्ट जो है होने वाला है। टोटल अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो 1 घंटे का जो है आपका पेपर होने वाला है, मतलब 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के जो है आपके पेपर होने वाले हैं। क्लियर है एग्जाम पैटर्न, क्लियर है प्रीलिम्स का। आगे बात करते हैं। तो अब जो है एक बार, जैसे अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको फिर मेंस एग्जाम में आपको अपीयर होना है और मेंस एग्जाम आप देंगे। तो मेंस एग्जाम का जो पैटर्न क्या होगा, इसमें भी जो है आपके आपको जो है रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 सब्जेक्ट जो है आपसे पूछा जाएगा। हर में जो है 50-50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जो है मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा आपका 50-50-50-50, मतलब क्या 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा आपका, 2 घंटे होंगे, ठीक है। तो अब जो प्रीलिम्स में अगर आपने देखा तो 1 घंटे का पेपर था, मेंस में जो है आपका यही जो है टाइम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का हो जाएगा,
ठीक है। ये जो है आपका एक जो एग्जाम पैटर्न यूडीसी के रिगार्डिंग में बोलूं तो यूडीसी के रिगार्डिंग जो है दो फेज में एग्जाम है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी एमटीएस और स्टेनो के रिगार्डिंग तो मैं उसके रिगार्डिंग भी जो है वीडियो बना दूंगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बार मैं जो है एक बार इसका जो यूडीसी का जो प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, जो स्टेट वाइज कट ऑफ जो है कितनी गई थी और कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ है वो हम आपके सामने मैंने रखा हुआ है। आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है और कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और किस तरीके से जो इसका पेपर पूछा जाता है, मतलब एक आपको जो है प्रीवियस एनालिसिस देख के कहीं ना कहीं आपको एक अंदाज़ा समझ में आता है। तो ये जो है आपके सामने स्क्रीन पे, स्क्रीन पॉज करके आप जो है एक देख सकते हैं कि यूडीसी का कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ, बिहार की बात करूँ, छत्तीसगढ़ की बात करूँ, तो ये जो है आपका टोटल जो है कट ऑफ रहा है। ये कट ऑफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है कट ऑफ आपका क्या है, ये कट ऑफ जो है आपका आपके सामने यूडीसी का 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2019 का जो है कट ऑफ आपके सामने में, ठीक है। तो आप जो है ये देख सकते हो। अब अगली बात करते हैं कि चलो सर एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया हमने, एक यूडीसी का कट ऑफ देख लिया, हमें अंदाज़ा एक समझ में आ गया कि हाँ इस तरीके से पेपर आपका कार्य काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव होने वाला है और काफ़ी जो है मज़ेदार और काफ़ी जो है काफ़ी सारे बच्चे इसमें अपीयर होंगे और संघर्ष जो है काफ़ी इसमें होने वाला है। तो अब जो है इसकी तैयारी हम किस तरीके से करें ताकि हम भी जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके मेंस में जाएं और मेंस को क्वालिफाई करके अगले जो है अपने पड़ाव में पहुंचे और फाइनल सिलेक्शन जो है हम जो है ले पाएं ईएसआईसी में, ठीक है। तो कैसा होगा अप्रोच और किस तरीके से हम आपको जो है आपके पास तैयारी करने, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपके पास जैसा कि मैंने आपको बताया मोटा मोटा जो है आपके पास डेढ़ महीने टाइम है, तो डेढ़ महीने आपके पास टाइम है तो आपके पास सबसे बेस्ट जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो है टेस्ट सीरीज। अगर मैं बात करूं तो जो वो होना चाहिए आपके पास टेस्ट सीरीज, आपके पास एक टेस्ट सीरीज जो है जरूर होना चाहिए जिसमें जो है आप मॉक लगा सकते हैं, मॉक लगाएंगे और जो है आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको जो है एक मॉक के फॉर्म में जो ईएसआईसी का जो है यूडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मॉक जब देंगे तो अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें एग्ज़ाम पेपर किस तरीके से पूछा जाना है, क्वेश्चंस कैसा होगा, रीजनिंग में क्वेश्चंस कैसा होगा, कितने पजल्स पूछे जा सकते हैं, इसका लेवल किस तरीके से होगा, मैं अगर बात करूँ लेवल किस तरीके से हो सकता है, पैटर्न क्या होगा, उसके बाद क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगी आपको मॉक देने से, ठीक है। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपका जो है ऑल इंडिया जो है रैंक कितना आ रहा है, ये सभी चीज़ें जो है कैसे पता चलेगी आपको, आपका जो है टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, ये सारी जो चीज़ें ये कैसे पता चलेगी जब आप जो है मॉक देंगे, ठीक है। आपको जो है मॉक देने के बाद ही जो है समझ में आएगा कि रीजनिंग में मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्वांट में मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, या इंग्लिश में मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, या जीए में मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, पजल्स में कितने लगाऊं, डीआई में कितने लगाऊं, या फिर कॉम्प्रिहेंशंस कितने पढ़ूं, या फिर मुझे करंट अफेयर्स कितने पढ़ने की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ों का मिश्रण है ये मॉक। आप मॉक देंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ बेस्ट मटेरियल जो बेस्ट जो है मेरे लिए क्या हो सकता है, कहाँ पे मुझे किस पार्ट पे जो है ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको जो है ईएसआईसी 2022 के लिए इन्हीं चीज़ के लिए जो है हम यूडीसी का एक प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए जो है मॉक टेस्ट सीरीज जो है लेके आए, हम प्रीलिम्स को ही, ऐसा नहीं कि हम प्रीलिम्स को लेके मेंस हमने इसमें नहीं छोड़ा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे और प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई करके अगले राउंड मेंस में भी पहुंचे, इसलिए जो है हमने क्या किया है प्रीलिम्स प्लस मेंस जो है दो ऐसे पैक, मतलब दो जो है इसको कंबाइन करके जो है हम इसको हम लेके आ रहे हैं और इसमें जो है टोटल आपको 50 प्लस टोटल टेस्ट जो है आपको दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, 50 प्लस टोटल टेस्ट है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा, किस तरीके से आप जो है यहाँ पे मॉक देंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है, एक बार उसको भी डिटेल्स में जो है हम जानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ जैसे आप देख रहे हैं ईएसआईसी 2022 यूडीसी प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसमें 50 प्लस टोटल टेस्ट है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो इसमें आपको टोटल 15 जो है फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, कितने 15, ठीक है, 15 जो है आपको फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, ठीक है,
15 जो है आपका फुल लेंथ मॉक है। उसके बाद 15 जो है सेक्शन वाइज टेस्ट है, जिसमें 5 रीजनिंग का टेस्ट, क्वांट का टेस्ट, 5 इंग्लिश का जो है 5 इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। अगर आपको रीजनिंग देना है रीजनिंग दे लो, क्वांट देना है अलग से क्वांट दे लो, इंग्लिश देना अलग से इंग्लिश दे लो, ठीक है। अगर आप अब मैं बात करता हूँ कि ये तो चलो प्रीलिम्स की बात है, अब मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया, मेंस पे आते हैं, तो मेंस में क्या मिलेगा आपको? मेंस में मिलेगा आपको 7-7 जो है फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होंगे, ठीक है। 15 सेक्शन वाइज 15 जो है प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, जिसमें 5 रीजनिंग, क्वांट और 5 इंग्लिश होंगे। टोटल जो है 30 क्वेश्चन होंगे इच सेट में, ठीक है। अगर आपको जाके सेक्शन वाइज टेस्ट देना है क्वांट का, इंग्लिश का या रीजनिंग का, ये भी जाके आप दे लो, तो इसमें जो है आपको 15, इसमें टोटल 7 जो है फुल लेंथ मॉक आपको प्रीलिम्स मिलेंगे, प्रीलिम्स में और मेंस में। एक चीज और, अगर जैसे कि करंट अफेयर्स आता है, सर चलो आप जो है यहाँ पे हमें प्रैक्टिस सेट तो दे रहे हो, करंट अफेयर्स के लिए हम क्या करेंगे? तो करंट अफेयर्स के लिए 48 वीकली करंट अफेयर्स जो है आपको मिलेगा, मतलब 48 वीकली करंट अफेयर्स कब से? जुलाई 2021 से लेके जून 2022 तक का, ठीक है। क्योंकि जो है देखो करंट अफेयर्स जो है पुराना भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे जुलाई 2021 से लेके जून 2022 तक का 48 वीकली करंट अफेयर्स मिलेगा। डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा सब हर टेस्ट का। अगर मानो एग्जाम में अगर आप जब मॉक दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, पजल सॉल्व नहीं हो पाया, DI सॉल्व नहीं हो पाया, तो कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व, आपको जो डिटेल सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा, वहां से आप जो है जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब पैन इंडिया एस्पिरेंट के साथ जो है आप कंपीट कर पाएंगे, एक एग्जाम के जैसा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा इसमें, ठीक है। आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, परसेंटाइल मिलेगा, कितने टाइम में आपने जो है पेपर को अटेम्प्ट किया, टॉपर के साथ कंपैरिजन वगैरह सभी कुछ इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। ये इसका जो है एक साइलेंट फीचर्स है, ठीक है। अब ये तो हमने जाना कि चलो इसमें जो है क्या क्या चीज़ें जो है मिलने वाली, ये डिटेल में आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें टेस्ट वगैरह का, जो एक होता है ना अपलोडिंग प्लान के साथ, कौन कौन सा टेस्ट कब कब अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊँ जो UDC का जो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस टेस्ट है, ये जो है सारा अवेलेबल है, ठीक है। ये क्या है, प्रीलिम्स के लिए जो UDC का जो सेक्शन वाइज टेस्ट होता है, ये जो है सारा अवेलेबल है। अब मैं बात करूँ जो मेंस के लिए है, तो मेंस का जो फुल लेंथ मॉक है और प्रैक्टिस सेट जो है वो 5 मार्च से जो है अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम पहले क्या है, वो पहले जो है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, बाद में मेंस का है, तो मेंस का आपको मटेरियल धीरे धीरे मिलना स्टार्ट वो भी हो जाएगा। अब प्रीलिम्स के जो फुल लेंथ मॉक है, 15 जो फुल लेंथ मॉक है, इसमें से आपके जो है 5 फुल लेंथ मॉक जो है आपके पास अवेलेबल है। ये सारे जो है लाइव हो चुके हैं, अब अगर अभी भी जाके देना चाहें पांचों के पांचों, तो आप जाके दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डेली तो आप एक ही दिन पे तो सारे नहीं देंगे ना, आप एक एक करके जो, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से देंगे तभी पता चलेगा कि हाँ कहाँ कहाँ कितना मेहनत आपको और करना है। उसके बाद जो है बाकी जो रिमेनिंग मॉक्स हैं, इनका जो है एक डेट हमने अपलोडिंग प्लान के हिसाब से दे रखा है आपके सामने, ये ठीक है। अब जो है आपका जब एग्जाम है, अब एग्जाम से पहले सारे मॉक जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके लिए एक कंप्लीट तैयारी करने का सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल ये है आपका, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब जो है इसको, ठीक है, इसको आप इस तरीके से, अब ये चीज़ जो है, ये जो UDC का जो प्रीलिम्स प्लस मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, या जो मॉक टेस्ट सीरीज हम कह लें, तो ये आपको कितने का पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये देखो आपके सामने जो है प्राइस एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो सबसे पहले प्राइस देखने से पहले या प्राइस जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके दो फेज है, जैसे प्रीलिम्स प्लस मेंस जो दो फेज है, ये दोनों फेज इसमें इंक्लूड है, प्रीलिम्स अलग नहीं है, मेंस अलग नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। और इसका जो प्राइस था, ये प्राइस है 1999, लेकिन 1999 जो है आपको पे नहीं करना है, मैं कूपन कोड बताऊंगा जिसमें जो है आपको कितना 77% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको जो है ये मात्र 459 रुपये का पड़ेगा, है ना। अगर मैं कह लूँ, अगर आप ये कर लो ना, इसको 200 मान लो और इसको 250 मान लो, मतलब प्रीलिम्स में आपको 200 रुपये पे करने और मेंस में आपको 250 रुपये पे करने, क्योंकि 450 के आसपास, 460 के आसपास पड़ रहा है, इसको 260 मान लो। आपको अगर ऐप से पे करोगे, अगर ऐप से परचेज करोगे, तो वहाँ पे आपको और कम पड़ जाएगा, और भी कम प्राइस पड़ जाएगा, चलो वो मैं भी बता दूंगा आपको। तो आपको जो है यहाँ पे ना एक कूपन कोड अप्लाई करना है, वो कूपन कोड क्या है, SES77, ठीक है। इस पे जो है आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्या है कूपन कोड, SES77, और जो है आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 77% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, तो आपको मेल करना है blogger@adda247.com पे, इस पे मेल करोगे, जो भी क्वेरी होगी हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे, और आपका जो है क्वेरी, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो हम सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है।
तो ये कंप्लीट डिटेल्स था ESIC UDC के रिगार्डिंग, और जो है अगर आपको MTS स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग जो है जानकारी चाहिए होगी तो फिर मैं वो भी जो है मैं आपको बता दूंगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स था ESIC के रिगार्डिंग। अब जो है अगर आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से आपको जाके परचेज करना है, क्योंकि प्राइस पॉइंट वगैरह सभी चीज़ मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ना विजिट करना है adda247.com। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है adda247.com, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर विजिट करके आपको नीचे आना है। नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंट एग्जाम कैटेगरी है, यहाँ पे ना डिफरेंट एग्जाम कैटेगरी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ESIC पे जब आप क्लिक करोगे, ESIC पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ अदर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको ट्रेसरीज पे जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बताया, देखो ESIC UDC प्लस में यहाँ पे और भी है, MTS स्टेनोग्राफर के लिए भी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी UDC के रिगार्डिंग बताया तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको अभी। तो इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर क्लिक करके उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। 1999 प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपको व्यू ऑफर्स में जाना है। व्यू ऑफर्स में जाके और क्या करना है, यहाँ पे आपको एक मेल आईडी डालनी होगी, आपने मेल आईडी डाल लेना। मैं यहाँ पे कॉमन जो है डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कूपन कोड जैसा कि मैंने आपको बताया SES77, और इसको क्या करना है आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, आप जो प्राइस क्या हो गया आपका 459 रुपये हो गया आपके प्राइस। ठीक है, 459 रुपये, 459.77। ठीक है, आगे जाके कंटिन्यू करके आप जो है बाय नाउ कर लेंगे, आप जो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब जो अगर आप ऐप से परचेज करना चाहेंगे adda247 के ऐप से, तो यहाँ पे आपको और कम प्राइस जो है पे करना पड़ेगा। वो कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप जो है adda247 का जो है अगर ऑफिशियल ऐप जो है आप खोलेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे खोल दिया है, अब यहाँ पे adda247 का जो ये ऐप खुला हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये रहा हमारा एग्ज़ाम कैटेगरी है। यहाँ पे ESIC पे क्लिक करेंगे, ESIC पे क्लिक करने के सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो ESIC UDC की प्लिन प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज ही आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे, बहुत ही आराम मतलब आराम से आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। सी ऑफर्स है, सी ऑफर्स पे क्लिक करेंगे, और जो कूपन कोड था कूपन कोड को आपको अप्लाई करना है SES77, और इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना कॉइन्स होता है, कॉइन्स कम पैसे कैसे लगेंगे, कॉइन्स को अगर आप यहाँ पे ना अप्लाई कर दोगे, तो कॉइन्स को अप्लाई करने के बाद ये देखो आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप 439 रुपये, वहाँ पे 459 लग रहे थे, यहाँ पे 439 रुपये में मात्र आपको ये पड़ेगा, और जो है आप इसको आगे जाके बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको दिया ESIC UDC के रिगार्डिंग, और कंप्लीट डिटेल्स भी मैंने बताएं, तो आई होप आप सभी को जो है समझ में आया होगा। सबसे पहले जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, फॉर्म फिल करो जाके, और अच्छे से तैयारी करो। एक मेरे हिसाब से सबको फॉर्म फिल करना चाहिए, और एग्ज़ाम भी जो है ज़रूर देना, यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो एग्ज़ाम दो और अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।